प्रतिदिन दर्जनों की संख्या में अस्पताल पहुंच रहे हैं आई फ्लू के मरीज। चिकित्सकों ने लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। जिला अस्पताल से नहीं मिल रही जरूरत के मुताबिक दवाइयां। लांजी में आई फ्लू नामक बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बरतना शुरू कर दिया है। इसको लेकर सिविल अस्पताल लांजी में मरीज भी आ रहे हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन द्वारा संबंधित बीमारी को लेकर दवा उपलब्ध रखी गई है। मरीजों को दवाई भी दी जा रही है, परंतु जिला मुख्यालय में दवा वितरण कार्य में बैठे अधिकारियों द्वारा तहसील क्षेत्रों के स्वास्थ्य कर्मियों को सहयोग न करते हुए भरपूर मात्रा में दवाइयों का वितरण नहीं कराया जा रहा है, जिससे सिविल अस्पताल लांजी में आई फ्लू से निपटने वाली आई ड्रॉप की भारी कमी हो रही है और मरीजों को आई ड्रॉप उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वहीं इस संबंध में लांजी सिविल अस्पताल के BMO डॉक्टर प्रदीप गेडाम ने बताया कि आई फ्लू को मेडिकल भाषा में कंजेक्टिवाइटिस और पिंक आई भी कहा जाता है। आम लोगों की भाषा में इसे आंख आना भी कहते हैं। बदलते मौसम के कारण इस तरह की बीमारी होती है, उसको लेकर सावधानी बरती जा रही है और आम लोगों को भी इस बीमारी से बचाव को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। गेडाम ने बताया कि लांजी सिविल अस्पताल में प्रतिदिन आई फ्लू के मरीज आ रहे हैं, जिनको दवा भी दी जा रही है। इसकी जागरूकता को लेकर अभियान चलाया जाएगा ताकि इस बीमारी की रोकथाम हो सके। उल्लेखनीय है कि आई फ्लू नामक बीमारी बच्चों एवं महिलाओं में अधिक आने की शिकायत है। सर, आपका परिचय? डॉक्टर ओम प्रकाश नेवारे, आयुष चिकित्सा। जैसे कि सर, अभी आई फ्लू का जो चल रहा है, जो बीमारी चल रही है, तो अभी तक कितने केसेस आ चुके हैं? आज की तारीख में 50 केस आ गए आई फ्लू के, एक दिन में। हाँ, एक दिन में। इसके पूर्व में सर? इसके पूर्व में 250-300 मरीज आ गए आज तक के। तो इसकी रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है? पूरी व्यवस्था है, हर चीज़ अवेलेबल हमारे पास में। आई ड्रॉप है, ट्यूब है, एंटीबायोटिक है। 2 दिन में ठीक हो रहे हैं मरीज मेरे पास से। जैसे 2-3 दिन से देखने में आ रहा है कि मरीजों की शिकायत आ रही है कि वो ड्रॉप मिल नहीं रहा है। नहीं, अवेलेबल है ना ये, वो झूठी शिकायत है। नहीं, अभी भी मैं गया था वहाँ पे तो वहाँ ड्रॉप नहीं है, सिर्फ वो कैप्सूल वगैरह डालना। नहीं, झूठी शिकायत है। नहीं, अभी है नहीं, आप भी चल के देख सकते। ट्यूब है, ट्यूब है, ट्यूब भर है, वो आई ड्रॉप नहीं है। आई ड्रॉप अभी ना नहीं है ना। ट्यूब से ठीक हो रहे ना? ट्यूब तो अच्छा रिजल्ट है, बढ़िया। नहीं, आई ड्रॉप भी ट्यूब आ रहे थे क्या? स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया था कि आई ड्रॉप से भी जल्दी रिलीफ मिलता है, तो यहाँ पर ट्यूब भी बहुत अच्छा है। हम लोग इसके पहले भी अपन यूज कर चुके हैं, 2-3 साल पहले से ट्यूब भी आते थे और ट्यूब से ही ठीक हुई है। ट्यूब का बहुत अच्छा रिजल्ट है, बेस्ट। 2 दिनों से मरीज वापस जा रहे हैं कि वापस नहीं जा रहे हैं, ट्यूब है 2-3 दिन से। आई ड्रॉप नहीं है? आई ड्रॉप नहीं है, ट्यूब है, ट्यूब से ठीक हो रहा है। हम यूज कर चुके हैं, हमको भी आई ड्रॉप हुआ है। चलो, तो आगे आगे और क्या तैयारियाँ उसको, जैसे बढ़ते हालत में है तो? बढ़ते हालत में तो कर रहे हैं हम लोग, व्यवस्था कर रहे हैं ना। क्या मरीजों को क्या किस चीज़ों से बचना चाहिए? मरीजों से क्या है, बार बार मतलब क्या है, हाथ धोते रहना चाहिए गर्म पानी से, मतलब वो करना चाहिए, मतलब दूरी बना के रखो, चश्मा पहनो, है क्या नहीं, और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखो। सर, ये जो आई फ्लू बीमारी है, एक प्रकार का वायरस है, उसकी वजह से आई फ्लू कितने दिनों में ठीक हो जाता है? ये 2 दिन में ठीक हो जाता है, वधु वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वियर साड़ियां एंड ड्रेसेस। कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम, जो जाता है वधु वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधु वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाए और भी खास। वधु वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।